भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और टीम इंडिया की वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ वर्ल्ड क्रिकेट में किसी नाम के मोहताज नहीं है। टीम इंडिया के कोच और पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल द्रविड़ ने करीब 1.5-2 दशक तक भारत के लिए क्रिकेट खेला और कई अहम कीर्तिमान हासिल किए। क्रिकेट जगत में द वॉल के नाम से लोकप्रिय राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कई बेजोड़ पारियां खेली जिन्हें आज भी याद किया जाता है, और उन पारियों की बदौलत राहुल द्रविड़ ने कई शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम राहुल द्रविड़ के द्वारा खेली गई कुछ यादगार पारियों का जिक्र करेंगे। आज हम आपको राहुल द्रविड़ की कुछ ऐसी पारियां बताएंगे जिन्हें मैराथन पारी कहा जाता है और जिनकी बदौलत राहुल द्रविड़ का नाम द वॉल पड़ा। राहुल द्रविड़ की यादगार पारियों में साल 2001 की कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेली गई एक पारी है जो ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ खेली गई थी। उस मैच में राहुल द्रविड़ ने 180 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को मैच जिताने में अहम किरदार निभाया था। बात 2001 की कोलकाता ईडन गार्डन पर खेले गए मैच की है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में काफी मजबूत लग रही थी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 445 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम केवल 171 पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया। पारी की शुरुआत करने वाले दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। तब उस मैच के मुश्किल वक्त में लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने न केवल पारी को संभाला बल्कि भारत को मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया। इस मैच में लक्ष्मण ने भी यादगार पारी खेली थी, लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी इस मैच में नाबाद 180 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। राहुल द्रविड़ की ये पारी हमेशा याद की जाती है। उसके बाद में राहुल द्रविड़ ने दूसरी एक यादगार पारी साल 2004 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेली थी। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 270 रन बनाए थे। 3 मैचों की सीरीज में नियमित कप्तान सौरभ गांगुली की गैर मौजूदगी में राहुल द्रविड़ ने पहले 2 मैचों में कप्तानी की थी। पहले 2 मैचों में राहुल द्रविड़ फॉर्म में नहीं नजर आए, उनके बल्ले से रन नहीं बने। हालांकि आखिरी मैच में राहुल द्रविड़ ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसे आज भी क्रिकेट फैंस याद रखते हैं। राहुल द्रविड़ ने 270 रन की ऐसी पारी खेली जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस पारी के लिए द्रविड़ को मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। वो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 12 घंटों से भी ज्यादा क्रीज पर जमे रहे थे, इसलिए राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। इतनी लंबी मैराथन पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम घुटने टेक गई थी और राहुल द्रविड़ की ये पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज भी यादगार है। तो आपका राहुल द्रविड़ के इन यादगार पारियों को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।